दोस्तों, भगवान कृष्ण जी ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार में वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार लोगों के प्रति कैसा होगा, ये सब महाभारत काल में ही बताया जा चुका था। श्री कृष्ण जी ने कलयुग के बारे में ऐसी 5 कड़वी बातें बताई हैं जो आज के युग में सच हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भागवत प्रेम, स्वागत है एक नई वीडियो में। महाभारत काल में 5वें पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने 5वें पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ वहां पर देखोगे मुझे आकर विस्तार में बताना। 5वें पांडव वन में जाकर वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो उस हाथी को देखकर बहुत हैरान हो गए। जब उन्होंने श्री भगवान को 2 सूंड वाले हाथी के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पे वेद लिखे हुए थे, परंतु वह मांस खा रहा था। यह देख के अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनके आचरण दैत्यों से कम नहीं होंगे। ऐसे लोग की बड़ाई बहुत होगी और वे कलयुग में राज करेंगे। भीम ने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से रक्त निकल आया। भीम ये देख के हैरान हो गए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना असत्य होगा कि इसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। अगर किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु खुद का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे, मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग अपने बच्चों को मोह माया में बांध के रखेंगे और उनका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। सहदेव ने देखा कि 5-7 भरे कुओं में से बीच का कुआं बिल्कुल खाली है। यह देख सहदेव हैरान हो गए और श्री कृष्ण जी से इसका उत्तर मांगा। श्री भगवान बोले कि कलयुग में मनुष्य अपनी शादी में और व्यर्थ के कामों में लाखों पैसे उड़ा देंगे, परंतु ये नहीं देखेंगे कि पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर रहा है, उसका पेट भरा है कि नहीं। कहने का अर्थ यह है कि कलयुग में अन्न का भंडार बहुत होगा, लेकिन फिर भी लोग भूखे प्यासे मरेंगे। नकुल ने देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी। उसने रास्ते के सारे बड़े वृक्षों को रौंद दिया, पर वो एक छोटे से पौधे से टकराकर चट्टान वहीं की वहीं रुक गई। श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा, उसका मन ना तो पैसे से रुकेगा ना किसी और से, किंतु एक हरि नाम के एक छोटे से पौधे से और हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। तो मित्रों, सिर्फ हरि भजन ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, ये हैं कलयुग के 5 कड़वे सच जो श्री भगवान द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में भी चर्चा करते रहेंगे महाभारत तथा रामायण जैसे अन्य तथ्यों की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।